आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मैं आज अडोबे इनडिज़ाइन के हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने इनडिज़ाइन में मैथ्स का फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसके सिंबल्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, तो उसे आप लाटेक्स से किस तरह से इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है मैथ्स टूल्स के नाम से, जो कि पेड सॉफ्टवेयर है, बट मैं लाटेक के बारे में आपको बताऊंगा। वो फ्री सॉफ्टवेयर है और उसमें आप ज़बरदस्त मैथ्स के इक्वेशंस और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के इक्वेशंस बना के उसे आप पीडीएफ में या एसवीजी में सेव करके उसे आप इनडिज़ाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इनडिज़ाइन में ये डॉक्यूमेंट मेरे पास खुला हुआ है, मैंने कुछ सिनारियोज़ यहाँ बना के रखे हुए हैं और इसको मैं आपको लाटेक में कंपोज टाइप करके दिखाऊंगा। तो लाटेक आप ऑनलाइन भी टाइप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी टाइप कर सकते हैं। ऑफलाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको कुछ कोड्स एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। टेक मेकर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है ये, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको मिकटेक एक सॉफ्टवेयर और आता है जो कि एक्चुअल कंपाइलर है लाटेक का, तो उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इस टेक मेकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा इसलिए मैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको जो तरीका बताऊँगा, सिर्फ मैथ सिम्बल्स आप उसमें टाइप कर सकते हैं और वो ऑनलाइन सिस्टम है। तो मैं क्रोम खोलूँगा और मैं यहाँ पर मैंने कॉपी कर रखा है उसे, ये आपने एंटर किया तो ये आप देखेंगे एक इक्वेशन एडिटर फॉर ऑनलाइन मैथमेटिक्स ये साइट खुल गई है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास और यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं अभी आपके पास, तो आपको इसमें से जो सिंबल यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, काम करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे आपको 300 DPI रखना है और इससे कम से कम आप 12 पॉइंट्स रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसे ब्लॉक रहने दें, ब्लॉक रहेगा तो जो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगा वो तो ब्लॉक साइज़ में आएगा, उसकी एक अपनी अलग लाइन होती है। नॉर्मली इन लाइन भी यूज़ करते हैं हम, जो लाइन में इक्वेशंस आते हैं टाइप करते हुए कोई इक्वेशन आ गया उसी लाइन में टाइप करना है तब हम इन लाइन यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पर ज़्यादातर काम ब्लॉक में ही करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, आपको अगर एक्सपोनेंशियल वगैरह कुछ लिखना है, जैसे a^p लिखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बना हुआ है एक प्रोफॉर्मा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा आपको इस तरह से। तो यहाँ पे आप लिख दें x^2, तो यहाँ देखेंगे वो सिंबल बनकर आ जाएगा। आपको ये वाला सिंबल राइट क्लिक करना है, सेव इमेजेस करना है, यहाँ पे सेव करके इनडिज़ाइन में इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं ये सारे सिनारियोज आपको कवर करके दिखाऊँगा। तो पहले इसको लेते हैं, इसमें सिंपल इक्वेशंस विद सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कितना मुझे याद है कोड। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगा मैं और यहाँ पे मैं डबल बैक स्लैश दूँगा ताकि अब जो भी टाइप होगा नेक्स्ट लाइन में होगा। ये मैंने सिर्फ सैम्पल के तौर पर लिया है। इनडिज़ाइन में आपके पास इस तरह से शो करेगा, बट हमें इससे बेहतर लिखना है तो हम x+2 = 5 है, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, तो मैं लिखूँगा GEQ और 5, ये इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो आप देखेंगे इस तरह का कोड आ रहा है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमने इनडिज़ाइन से कॉपी किया था सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो ये कोड आप यहाँ से डाउनलोड करके उसमें प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको एक और दिखाऊंगा, GEQ slant, ये आपने राइट क्लिक करना है, सेव इमेजेस करना है और यहाँ पे question 1 का part 1 है, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे questions और 1 का part 1 है ये, इसे सेव कर दिया मैंने और इसको भी मैं सेव करके रखूँगा नोटपैड में। 1 का part 1 है ये और ये इसका कोड है, ताकि जस्ट इन केस कभी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ा, अगर ज़रूरत पड़ गई उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, तो आपके पास कोड रहेगा हैंडी। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे,
इसको कर दूंगा मैं डिलीट, और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करूँगा, और यहाँ पे मैंने सेव किया था इसे यहाँ मैं ओपन कर दूंगा। अभी ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं व्यू में जाऊँगा, डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाऊँगा, हाई क्वालिटी डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का आ रहा है, ये बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया है। आप फॉन्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने 12 पॉइंट रखा है, आप 10 पॉइंट भी कर सकते हैं, आप इसे यहाँ भी छोटा कर सकते हैं। बट अब ये इमेज फॉर्म में आ गया है, तो अब इस पर क्लिक करें और इसे यहाँ से लॉक है ऑलरेडी, तो इसे आप छोटा कर दें इस तरह से 80% कर दें। तो ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। अब मैं इस वाले को लेकर जाता हूँ, इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और डबल बैक स्लैश दूँगा, तो एक न्यू लाइन जनरेट होती है। तो मैं लिखूँगा एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू, तो स्लैश एल ई क्यू लेस देन इक्वल टू 3। तो उसका यहाँ पे कोड आना है, ये शायद इसकी वजह से हो रहा है। तो ये इनडिज़ाइन हम कॉपी करके लाते हैं रेफरेंस के तौर पे, तो ये यहाँ पे अभी आपको इस तरह का दिखेगा। मुझे एल ई क्यू स्लैंट करना है, तो एल ई क्यू स्लैंट कर दूंगा, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसे मैंने डिलीट कर देना है और इसे कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे इसको वन का पार्ट टू है ये, इसका कोड मैं रखूँगा जस्ट इन केस कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो। और इसे राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज एज वन का पार्ट टू, और इसे भी डिलीट करना है मुझे। और अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल डी और वन का पार्ट टू ले आऊँगा यहाँ। तो इस तरह से आप जो है इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। मैं दो तीन वैल्यू आपको इंपोर्ट करके और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ आपको ये करके दिखाऊँगा किस तरह से इस कोड्स को करना है। अब वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड करना है मुझे, तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करूँगा वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड। ये जनरली हम कंप्यूटर टर्म में नॉट इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं, बट मैथ्स में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एनी क्यू लिखेंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का आएगा, आपने राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज करना है, ये वन का पार्ट थ्री है, इसे सेव करें और यहाँ पे आके इसे आप कंट्रोल डी करें और वन इज नॉट इक्वल टू थ्री, सॉरी मैंने दूसरे उसमें क्लिक कर दिया था, इसे कट किया मैंने। यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर दूंगा तो इसके साथ ही आ जाएगा ये। अब मैं W करता हूँ तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये आप चेंज कर सकते हैं साइज़ यहाँ साइड से, मैं अभी वो भी आपको करके दिखाता हूँ। ये है उसी का कंटिन्यूएशन, अब मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये तो ऑलमोस्ट सेम है। ये इसमें एक इक्वल टू ग्रेटर देन साइन है, तो ये ग्रेटर देन साइन भी करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रेफरेंस के तौर पे पहले मैं यहाँ रखूँ ताकि मुझे याद रहे क्या लिखना है। तो फार्मूला है मेरा x प्लस 8 इज इक्वल टू y प्लस 12, देन x इज ग्रेटर देन y। इसको अब हम हटा देंगे, तो आप देखेंगे कि चूंकि लाटेक अभी मैथ्स मोड में है, इसलिए ये मैथ्स मोड में ये इसको भी मैथ हैंडल करेगा और उसमें कोई स्पेस नहीं देगा। तो हमें अगर मैथ मोड में कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम उसमें कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे, इसे कट करके यहाँ इस तरह से लिखना होगा और यहाँ भी एक स्पेस देना होगा, वरना स्पेस आएगा नहीं। तो आप देखें इक्वल टू किस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू के लिए सेम जो ग्रेटर देन साइन है वही हम लिखते हैं। तो अभी तक तो हमने जो भी किया है ये कोई मेजर काम नहीं है, ये हम इन डिज़ाइन में रहते भी किसी न किसी तरह से कर सकते हैं। आगे जब हम और बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस किस तरह से हम लाटेक में लिख सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे रेफरेंस के तौर पर ताकि हमें याद रहे क्या लिखना है। 5 ई मतलब इन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का इसमें स्पेशल मीनिंग है लाटेक में, इसीलिए उसे एस्केप करना पड़ेगा।
तो अगर हमें यहाँ कर्ली ब्रेसेस शो करना है तो मैं बताता हूँ उसको किस तरह से एस्केप करना है। पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ, एक्स कोलोन 2x माइनस 3 और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब GEQ/7। तो ये अभी आप देखेंगे सिंबल इक्वेशन तो बन गया, बट मुझे ये कर्ली ब्रेसेस देना है x से पहले, इस वाले x से पहले देना है, तो उसके लिए मुझे बैक स्लैश से इसे एस्केप करना पड़ेगा दोनों तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तब आप देखेंगे कुछ इस तरह का आएगा। इसे मैं अब डिलीट करूँगा रेफरेंस को और यहाँ से मैं इसे 10 पॉइंट्स कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा, सेव इमेज एज, अभी ऐसे ही सेव कर देता हूँ। मैं आपको मैंने प्रोसेस बता दिया किस तरह से सेव करके लेके जाना है। मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस किया और इसे मैं अब इम्पोर्ट कर दूँगा। तो ये अभी भी बड़ा साइज़ है, तो हम यहाँ से और इसे छोटा कर लेंगे, 9 पॉइंट्स कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं साइज़ को। तो अब मैं W प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे किस तरह का लग रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट स्टाइल आपने अप्लाई कर दिया कि ऑटोमेटिकली इतना परसेंट रिड्यूस हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इस तरफ में, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा यूज़ ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ईजी है, ये तो हम इस तरह का अगर इक्वेशन है सिर्फ तो ये हम इनडिज़ाइन में रहते हुए भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ इसे किस तरह से करना है। a प्लस बी ये लिखा हमने, अच्छा यहाँ पे पहले मैं ये दे दूँ न्यू लाइन, ये मैंने दो बार न्यू लाइन दिया है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 cm। आप देखेंगे 1 cm का गैप यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे मुझे देना है पावर, आई मीन टू द पावर ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे हम देते हैं 6, ये शिफ्ट 6 प्रेस करेंगे तो ये कैरेट सिंबल आएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे दें 2, आप देखेंगे a टू द पावर a प्लस बी होल थिंग स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2। अब मैं टू द पावर ऑफ 23 लिखना है तो मैं 3 लिखूँगा, तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो हमें करना होगा यहाँ पे ये कि कर्ली ब्रेसेस में इसे डालना होगा 23 को, तब यह आएगा a प्लस बी होल थिंग टू द पावर ऑफ 23। यहाँ माइनस करना है तो आपको यहाँ बाहर में माइनस टाइप कर देना होगा, तो इस तरह से सॉरी माइनस 23 यहाँ लिखना होगा मुझे, हाँ तो माइनस 23 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सुपरस्क्रिप्ट दे सकते हैं इसमें। और एक और है करके दिखा देता हूँ ये भी मैं आपको, यहाँ पे इस मैं इसे अभी हटा देता हूँ, टेक्स्ट मोड मैंने आपको बता ही दिया है तो इसमें करने का कुछ है नहीं, ऑलरेडी हुआ हुआ है ये। a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, इसको सॉल्व करना है। यहाँ इफ था वेर a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, अगर आप इसे यहीं लिखना चाहते हैं तो एक तो रास्ता मैंने आपको बताया स्लैश टेक्स्ट करके उसके अंदर आप इसे डाल दें, दूसरा रास्ता मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ बैक स्लैश कॉमा दे दें तो एक स्पेस आ जाएगी, यहाँ भी बैक स्लैश कॉमा दे दें तो एक और स्पेस आ जाएगी। तो आप देखेंगे ए इक्वल्स टू 10 एंड बी के बीच में, 10 एंड बी के बीच में स्पेस आ गई, स्पेस और ज़्यादा चाहिए तो आई गेस इसका ये वैल्यू है, मैं कुछ सेमी कॉलन देंगे तो कुछ स्पेस ज़्यादा आएगी, और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो क्वाड देना होगा आपको, यहाँ भी क्वाड दे दें स्लैश क्वाड। अब आप देखेंगे कितनी स्पेस आ गई, इसका काम मेरा हो गया। अब इसे मुझे राइट क्लिक सेव एज करके जैसे मैंने आपको पहले बताया ले जाना है वहाँ पर। अब आते हैं सबस्क्रिप्ट, ये भी सिंपल है, इसे कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट किया मैंने। अब मैं लिखूँगा P, मुझे 1 जो है P के नीचे चाहिए तो मैं यहाँ दूंगा शिफ्ट और ये हाइफन अंडरस्कोर मुझे देना, यहाँ 1 लिखूँगा, V अंडरस्कोर 1 माइनस P अंडरस्कोर 2 V अंडरस्कोर 2 इक्वल्स टू 23।
ये मेरा फाइनल बनकर आ गया है इक्वेशन, मुझे यहाँ से कॉपी करके ले जाना है। इसे डिलीट करता हूँ और अब आते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस में। इसमें मल्टीप्लाई का साइन किस तरह से आना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से लिखना है। जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मैं ये आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। इसमें पहले कॉपी करके यहाँ लेकर आते हैं। 7/10 प्लस 3/10 ये इस तरह से है, बट मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। मैं इसके लिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं शॉर्टकट, मैं जनरली टाइप करता हूँ। मैं आपको यहाँ से भी लिख के दिखाता हूँ। यहाँ से आप टाइप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे 7 लिखा आपने, फिर टैब मारा, फिर 10 दिया आपने, तो देखेंगे यहाँ पे वो फ्रैक्शन बनकर आ गया। अब यहाँ पे प्लस दें और फिर स्लैश फ्रैक लिखा आपने, ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें और 3, फिर टैब दिया आपने, फिर 10, तो ये वही आ गया जो हमें यहाँ पे चाहिए था, तो ये वाला। अब हम आते हैं 2 में, डिवाइडेड बाय इतना, तो इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ। अच्छा, स्लैश फ्रैक ये लिखा मैंने, उसके बाद स्लैश DIV लिखा मैंने, फिर स्लैश फ्रैक। अब यहाँ पे 16 लिखें, टैब मारें, 44 दें, फिर यहाँ फ्रैक में आए 8 लिखें, फिर टैब मारें और 11 दें और इसको डिलीट कर दें। तो ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया। सिमिलरली यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई की जगह मैं इसी पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, टाइम्स। तो आप देखेंगे ये सिंबल यहाँ पे चेंज हो गया और ये मेरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसे और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और अब मुझे लिखना है फ्रैक प्लस, सॉरी, प्लस फ्रैक 2/3 है, यहाँ 2 मुझे इस ब्रैकेट में लिखना है, फिर टैब मारना है, फिर 3 लिखना है, टैब मार के यहाँ जाना है, ये 34 है, फिर टैब मार के 19। तो ये अभी इस तरह का आया है, बट इसके आगे 2 है, तो मैं यहाँ जाऊँगा फ्रैक से पहले, तो 2 लिखा मैंने और इस फ्रैक से पहले मुझे लिखना है 4। तो ये आया मेरा मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरह से। इसका मेरा काम हो गया, ये मेरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, सेव एज इमेज, सेव इमेजेस करूँगा और वहाँ ले जाके पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ से फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला भी हो गया। अब आते हैं यूज़ ऑफ सुपर स्क्रिप्ट विद फ्रैक्शन। इफ एक्स इक्वल्स टू, मैं ये वाला दिखाता हूँ आपको, यही वाला दिखाते हैं, चले। ये रेफरेंस के तौर पे ले आया हूँ मैं। अच्छा, एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, अब मुझे यहाँ पे करना ये चाहिए था पहले, जब यहाँ डिवाइडेड था तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक लिख देना चाहिए था, अब उसके अंदर मुझे ये लिखना चाहिए था, ये मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय दिस कॉपी इक्वल्स टू फ्रैक 17/8। तो ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो आप देखेंगे कितना आसान है और फ्री टूल है। मैथ टूल जो है वर्ड में जो अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप इससे डायरेक्टली वर्ड में भी ले जा सकते हैं SVG, और इसमें PDF में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आप, इतने सारे ऑप्शन हैं इन फॉर्मेट्स में आप सेव कर सकते हैं, और इन पेज में भी इससे आप ले जा सकते हैं अपना डेटा। तो ये मेरा एक फ्रैक्शन बन गया, ये इक्वेशन एक बन गया, इसे आप ले जा सकते हैं इजीली। अच्छा, डिवाइडेड बाय ये वाला भी दिखा देता हूँ, इसे मैंने डिलीट करना है, इसे पेस्ट करूँगा। डिवाइडेड लिखा है यहाँ, मतलब फ्रैक दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है, इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लिखना है और इसे कॉपी किया मैंने
यहाँ पे लिख देना है एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, और यहाँ फाइन पूरा इक्वेशन क्या है, बस यही था इक्वेशन। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया, इसे मुझे वहाँ ले जाना है इनडिज़ाइन में या वर्ड में या इन पेज में या जिसने भी आपको लेके जाना है। आपको देखना है कौन सा फॉर्मेट किस एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है। इनडिज़ाइन में एस वी जी, पी डी एफ ये सब सपोर्ट करता है, तो आप इसमें ले जा सकते हैं। तो मैं अब इसे डिलीट करता हूँ। मैं अब आऊँगा इस तरफ, यूज़ ऑफ बिग ब्रैकेट्स विद फ्रैक्शन एंड सुपरस्क्रिप्ट कॉम्बिनेशन है। चलें इसे लिखते हैं। अब इसे कॉपी किया मैंने, अब मैं यहाँ इसे पेस्ट करूँगा। और पहले तो मैं लाइन दे दूँ ताकि समझ में आए मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, ये मैंने स्लैश फ्रैक लिखा मैंने। अब मुझे लिखना है ए माइनस एक्स, टैब दिया ए प्लस एक्स। तो ये एक फॉर्मूला आया बन के मेरे पास। अब मैं लिखूंगा इस तरह से, फिर लिखूंगा फ्रैक ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अच्छा अब यहाँ है 16 और यहाँ पे है ब्रैकेट, ये देख रहे हैं आप ब्रैकेट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट दूंगा, ये ब्रैकेट दिया मैंने, तो इसे कट किया, इस वाले को यहाँ लाके पेस्ट करूँगा मैं। और टू द पावर ऑफ थ्री देना है, टू द पावर ऑफ थ्री दे दिया मैंने। इसे मैं अब हटा देता हूँ यहाँ से। मेरा ये इक्वेशन बन के तैयार तो हो गया, मगर आप देखेंगे कि ये बहुत भद्दा लग रहा है, ये इतना छोटा ब्रैकेट जो है यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और हम ऐसे भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। मैं जनरली टाइप करता हूँ क्योंकि मुझे याद हो गया टाइप करते करते, और मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश लेफ्ट लेफ्ट, और यहाँ पे लिखूँगा स्लैश राइट। अभी आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो गया और मेरा ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब मैं इधर जाऊंगा, सॉल्व द फॉलोइंग यूज ऑफ फैक्टोरियल विद डॉट्स, फैक्टोरियल विद डॉट्स। तो आते हैं इस वाले पे, पहले इस पे आते हैं, इसे डिलीट करें। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। अब मुझे लिखना है x इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ टू, सॉरी फ्रैक्शन है यहाँ, स्लैश फ्रैक x टू द पावर ऑफ टू डिवाइडेड बाय वन, और फैक्टोरियल को लिखते हैं शिफ्ट और वन मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल बनकर आ गया, x इज इक्वल टू x टू द पावर टू अपॉन वन। अब यहाँ पे आए, प्लस दिया मैंने, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, x टू द पावर ऑफ फोर डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस। अब यहाँ पे डॉट 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 करके मुझे लिखना है ये वाला फॉर्मूला। तो मैं डॉट 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 कैसे दूंगा, मुझे डॉट 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 ऐसे नहीं देना है। तो आप देखेंगे अगर मैं ऐसे दूंगा तो किस तरह का दिख रहा है यहाँ पे। दोबारा प्लस लिखता हूँ मैं, आप देखेंगे कितना ख़राब लगेगा। इसके लिए मैं करूँगा स्लैश सी डॉट्स। अब आप देखेंगे ये किस तरह से डॉट्स आया है। अब मुझे लिखना है ये वाला फॉर्मूला, तो ये भी फ्रैक्शन में है, तो स्लैश फ्रैक ऊपर है एक्स टू द पावर ऑफ एन, और नीचे है ब्रैकेट में है एन माइनस वन, और यहाँ पे है फैक्टोरियल। तो ये आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार होकर आ गया है। इस तरह का काम हम इनडिज़ाइन में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए या तो आपको मैथ टूल की ज़रूरत है जो कि पेड सॉफ्टवेयर है, और या तो आप लाटेक यूज़ करें, लाटेक ही बेहतर ऑप्शन है। सबसे पहले मुझे आपको ये दिखा देना चाहिए था कि लाटेक का सिंबल हम लाटेक में कैसे लिखते हैं। तो स्लैश एल ए टी ई एक्स, और यहाँ पे टी कैपिटल है, और स्लैश टेक्स्ट फॉर्म में है आई गेस। हाँ तो आप देखेंगे लाटेक का सिंबल इस तरह का है। इसे ज़रा सा बड़ा करता हूँ,
ये इस तरह का सिंबल यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाटेक में। मैं इसे वापस 10 पॉइंट में लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बाइनोमियल आपको दिखाना है बाइनोम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसे कैसे लिखना है। एन फैक्टोरियल, यहाँ पे फ्रैक्शन है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के कैपिटल है फैक्टोरियल, उसके बाद है एन माइनस के फैक्टोरियल ब्रैकेट आई मीन पैरेंथेसिस एन माइनस के फैक्टोरियल। तो ये आया एक सिंबल बन के इक्वल्स टू। अब बाइनोम है, ये बाइनोम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिख क्या इसका सिंबल है बाइनोम, और यहाँ पे है एन एंड के, ये कुछ इस तरह का सिंबल आता है बाइनोम। तो ये एन, यहाँ डिवीजन का साइन नहीं होगा, बाइनोमियल है ये इक्वेशन ये। तो यहाँ से आप इसे कॉपी करके ले जा सकते हैं इन डिज़ाइन में, इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख देख रहे हैं कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कितने आसानी से इसमें लिख पा रहे हैं। और आप कुछ ही इक्वेशंस आप लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही इजी है ये, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं स्क्वायर रूट पे, रूट ऑफ 121 एंड क्यूब रूट ऑफ 27। चलें, रूट तो ऐसे ही लिख सकते हैं, एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट। अब लिखना है हमें 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, 3, 4, 5, 6। ये देखेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। अब आप चाह रहे हैं इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट के बाद आपको एक इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे क्यूब रूट चाहिए, तो क्यूब रूट चाहिए लिख दें आप, 3 लिख दें तो आप देखेंगे क्यूब रूट आ गया। इसका साइज़ मैं ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इक्वेशन ठीक से समझ में आए। फिफ्थ रूट चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5। nth रूट चाहिए तो n लिख दिया आपने। तो इस तरह से आप अपने फार्मूलाज को मॉडिफाई कर सकते हैं, और मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप इन फार्मूलाज को सेव करके रखें ताकि आप इसे आगे रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये क्यूब रूट मैंने दिखा दिया आपको। अब आते हैं यूज़ ऑफ समेशन, इन्फिनिटी ऑन टॉप एंड एन एट द बॉटम। तो सबसे पहले यही दिखाता हूँ मैं, सम हम लिखते हैं ऐसे स्लैश सम, और इसे यूज़ करेंगे, बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, टाइप करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर है। इन्फिनिटी ऑन टॉप, हमें टॉप में चाहिए इन्फिनिटी। तो आपको अगर याद होगा सुपर स्क्रिप्ट में हम ये यूज़ करते थे, तो हमें चाहिए इन्फिनिटी स्लैश INFTY, इन्फिनिटी को हम इस तरह से लिखते हैं। और बॉटम में क्या है, बॉटम में है n इक्वल्स टू 0, तो विद इन ब्रेसेस लिखेंगे हम n इक्वल्स टू 0। साइज़ बहुत बड़ा हो गया इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ, और भी छोटा करना पड़ेगा मुझे। इन्फिनिटी ऑन टॉप एंड एन इक्वल्स टू 0, ये इसके नीचे आएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमने इसे लिख लिया। इन्फिनिटी को हम लिखते हैं स्लैश INFTY, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इस तरह से लिखते हैं लाटेक में। 70 ऑन टॉप आए एट बॉटम, एंड फिर ये इसे लिखते हैं हम, इससे पहले यहाँ पेस्ट करें स्लैश सम 70 ऑन टॉप। तो 70 ऑन टॉप में अगर आपको लिखना है इन्फिनिटी, इस सम के ऊपर में लिखना है तो आपको सुपरस्क्रिप्ट का सिंबल देना है, फिर 70 लिखना है, और I इक्वल्स टू 37 बॉटम में लिखना है। तो पहले इसको बॉटम में लाना होगा, तो बॉटम में लाने के लिए हम अंडर सबस्क्रिप्ट का सिंबल लिखेंगे, और कर्ली ब्रेसेस में हमें लिखना है I इक्वल्स टू 37। तो ये देखेंगे आप आ गया इस तरह से 70 ऑन टॉप, ये गड़बड़ हुआ, इसे लिखना है इस तरह से 70 ऑन टॉप I इक्वल्स टू 37 आ गया। अब एंड देन
फिर अब हमें लिखना है ये, तो इसको लिखने के लिए हमने ब्रैकेट खोला, पैरेंथेसिस 2 टू द पावर ऑफ जे, उसके बाद माइनस 4 टू द पावर ऑफ जे। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया हमारा रेडी, इसे अब बंद डिलीट करें और ये अपना यहाँ से ये सिंबल राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करें एसवीजी में या जो आपको चाहिए, फिर आप ले जाएं वहाँ इनडिज़ाइन में। ये भी सिमिलर है, सेम 50 ऑन टॉप एंड बॉटम, ये सिंपल है, इसमें फ्रैक्शन इंक्लूडेड है, तो फ्रैक्शन तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब आते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स चलें देखते हैं याद है कि नहीं मुझे, पहले यहाँ लेकर आते हैं, नहीं इसे यहाँ लाएंगे तो नज़र नहीं आएगा। वैसे मैट्रिक्स यहाँ पे है, आपको मैं यहाँ से भी करके दिखा दूंगा, पहले मैं यहाँ देख लूँ क्या है। ए इक्वल्स टू 13 1 3 2 4, ठीक है, तो पहले मैं लिखूँगा स्लैश बिगिन एंड, इसे मैंने डिवाइड किया, बिगिन में लिखूँगा मैट्रिक्स, तो आप देखेंगे यहाँ भी आ गया। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं, तो वापस इधर जाएंगे, तो एम्परसेंड लिखा हमने एंटर किया, फिर से एम्परसेंड लिखा हमने, इधर एक स्पेस, इधर एक स्पेस। अब यहाँ पे क्या है, 1 एंड 3, ये 1 लिखा मैंने, टैब दिया, सॉरी टैब नहीं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ दो बार बैक स्लैश लिखना है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या था, 2 एंड 4, 2 लिखा यहाँ पे, 4 लिखा यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे एक मैट्रिक्स बनकर आ गई है मेरे पास, बट मुझे यहाँ लाइंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी मैट्रिक्स, वी मैट्रिक्स मैंने लिखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन आ गई, और मुझे देना है ए इज इक्वल टू, वो बिगिन से पहले दूंगा, तो ए इज इक्वल टू इतना, उसके बाद क्या है एंड बी इक्वल्स टू इतना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्वाड एक स्पेस दे देता हूँ, उसके बाद क्वाड क्वाड, और इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसे मैं लिखूंगा बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 एंड 3, 2 माइनस 1 1 एंड 3, और फिर क्या है यहाँ पे फाइंड 3a प्लस 4b। अब यहाँ पे मैं फिर से स्पेस दूंगा, फाइंड एक स्पेस देते हैं यहाँ भी, 3a प्लस 4b, ये मेरा क्वेश्चन बन गया, जैसा राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करना है और ले जाना है। यहाँ पे आप वी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स भी दे सकते हैं, तो अब बी मैट्रिक्स देखेंगे किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे ऊपर सिंबल आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पे आप बी मैट्रिक्स दे सकते हैं, और भी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स का ऑप्शन, यहाँ भी हैं, जैसे बी मैट्रिक्स कैपिटल में लिखूँगा मैं, कैपिटल में लिखूँगा मैं तो किस तरह का आएगा, ये कैपिटल में लिखा मैंने, तो ये देखेंगे किस तरह का ये मैट्रिक्स बन गया है। तो इसी तरह से आप यहाँ से ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ, ये एंगुलर के लिए भी है, सॉरी इधर यहाँ है वी मैट्रिक्स, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो डबल लाइन आएगी वी मैट्रिक्स, तो आप देखें किस तरह से डबल लाइन आई, तो इस तरह से आप ये काम इसमें कर सकते हैं, आपका फाइनल हो जाएगा, यहाँ से राइट क्लिक किया सेव किया और डिज़ाइन में या जिस सॉफ्टवेयर में आपको लेके जाना ले जा सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। अब आते हैं, ये हो गया, अच्छा डिफरेंशियल कैलकुलस विद ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है इसमें गालिबन, चलें देखते हैं इसे, पेस्ट किया मैंने d dx/track d by dx,
ये आप देखेंगे ये सिंबल आ गया डी डी एक्स ऑफ, मैं कुछ नहीं लिखना यहाँ, साइन एच लिखना है मुझे, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, और एक्स टू द पावर ऑफ टू, आई गेस टू नहीं है ये, माइनस टू है ये, एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू। आप देखेंगे इस तरह से लिखेंगे तो ये प्रॉपरली नहीं आएगा मुझे, इसमें इसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे ये ठीक से यहाँ पे आएगा, ये एक हो गया एक्सप्रेशन। अब आते हैं इसमें, इसे डिलीट करना है, स्लैश फ्रैक और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ऑफ में कुछ नहीं, एक्स टू द पावर ऑफ थ्री एंड ई टू द पावर ऑफ एक्स। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया मेरा। अच्छा इसे डिलीट करता हूँ मैं, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से भी लिखते हैं और कुछ इस तरह से भी लिखते हैं पार्शियल, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़र आएगा आपको। इसे भी पार्शियल अगर मैं कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये डी का, डी पे आप गौर करें तो यहाँ पे, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया और इसे आप वहाँ ले जा सकते हैं। इसे भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। स्लैश फ्रैक और डी टू द डी, उसके बाद डी एक्स, देन एक्स टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एन एक्स और टू द पावर ऑफ टू द पावर ऑफ, ये है एन माइनस वन, ये इस तरह से है, ये इस तरह से ये एक्सप्रेशन है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो है आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, लाटेक है ही इसीलिए मेन थीसिस वगैरह लिखने के लिए ही लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर को। अब आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ। कॉपी किया मैंने, यहाँ लाके पेस्ट करना है, मैं यहाँ पे बैक स्लैश दूंगा। अब मुझे लिखना है इंटीग्रल अपर लिमिट इज़ टू एंड लोअर लिमिट इज़ ज़ीरो। आप यहाँ देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे आपको हेल्प करता है, गाइड करता है ये जो साइट है, इसमें जो ऐप बना हुआ है इसमें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आप देखेंगे नीचे वो आ गया बन के। और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लोअर लिमिट है क्योंकि यहाँ पे ये अंडरस्कोर है, लोअर लिमिट ज़ीरो है, अपर लिमिट है मेरी टू। तो यहाँ पे देखेंगे लोअर लिमिट में ज़ीरो है, ऊपर अपर में टू है, और एक्स टू द पावर ऑफ टू प्लस वन, उसके बाद डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्पेस ज़रूरी है आई गेस, सॉरी ये गलत है, मैंने गलत लिखा, ये इस तरह से नहीं है, ये टू प्लस वन इसके अंदर है, और यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ मैं कॉमा, आप सेमी कोलन दे दें, स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद है वन अपॉन थ्री, ठीक है, स्लैश फ्रैक वन बाई थ्री, और उस पर है एक्स टू द पावर ऑफ थ्री प्लस, और एक्स माइनस फ्रैक 18 31, ये इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स भी हैं, तो ये फ्रैक से पहले मैंने ब्रैकेट दिया, इसको कट करके यहाँ लास्ट में लेके जाऊँगा, तो आप देखेंगे ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे करूँगा ये लिखूँगा स्लैश लेफ्ट, और यहाँ पे लिखूँगा स्लैश, सॉरी यहाँ नहीं, ब्रैकेट से पहले स्लैश राइट, तो ये आ गया। अब इस पर एक है लाइन भी है,
तो मैं लिखूंगा स्लैश वी ई आर टी है आई गेस, या आर वर्ड है राइट लाइन, ये लाइन आ गई। अच्छा, इसकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट है 2, मतलब ये है 2 और लोअर लिमिट है इसकी 0। मगर ये लाइन भी बहुत छोटी आई है, मुझे लाइन और बड़ा करना है, तो स्लैश बी आई जी जी लिखूंगा मैं, बिगर। अब आप देखेंगे ये ठीक एक्सप्रेशन आया है मेरा इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है इसमें, और आपको भी बहुत ही सिंपल लगेगा एक बार आप यूज़ करने लगेंगे। तो इसे आप राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करें और वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है आपको यहाँ पे ला के लगा दें। अब आते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लिमिट्स एक्स टू इन्फिनिटी, यूज़ ऑल लिमिट्स, लिमिट्स किस तरह से यूज़ करते हैं, आते हैं इसमें और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने इसे, सॉरी इसको डिलीट करूँगा पहले, उसे पेस्ट किया मैंने। अब स्लैश लिम एक्स टू इन्फिनिटी, ये एक्स टू इन्फिनिटी मुझे यहाँ लिखना है लिम के नीचे, तो मैं अंडरस्कोर दूंगा और ये कर्ली ब्रेसेस खोलूँगा, एक्स स्लैश टू स्लैश आई एन एफ टी वाई इन्फिनिटी। ये देखेंगे आप यहाँ पे आ गया, और उसके बाद क्या है, 2x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से पहले अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो ये स्पेस दे सकते हैं आप, तो ये स्पेस आ गई, ये मेरा एक्सप्रेशन तैयार हो गया और मैं इसे इजीली ले जा सकता हूँ वहाँ पे। तो ये कुछ इक्वेशंस थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इतना भी आप अगर कर लेंगे तो आपका बहुत सारा काम मैथ्स का आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, 1/ ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, बिग ब्रैकेट्स ऑन बी, चलिए यहाँ से लेते हैं, क्या है ये मुझे भी याद नहीं, बहुत पहले मैंने बनाया था इसे। एनीवे, 1 मतलब ये फ्रैक्शन है, इससे पहले मैं न्यू लाइन करूँगा, 1/x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, ये इस तरह का है, उसके बाद टू द पावर ऑफ माइनस 2/3। अच्छा, इस पे भी पावर है, टू द पावर है तो मुझे यहाँ ब्रैकेट देना होगा, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ 1 से पहले, ये ब्रैकेट दिया मैंने और ये ब्रैकेट आ गया। अब इसके ऊपर देना है पावर ऑफ 2/ इसके अंदर देना होगा मुझे कर्ली ब्रेसेस में फ्रैक 2/3। ये देखेंगे यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशंस बन गया। अब मैं यहाँ पे एक माइनस दे दूंगा, ये माइनस 2/3 हो गया ये, और ब्रैकेट मुझे बड़ा देना था तो मैंने लेफ्ट लिखना है यहाँ लेफ्ट, और यहाँ पे कहाँ ये रहा, यहाँ पे मुझे देना है राइट। तो ये आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन मेरा बन के रेडी हो गया, बिग ब्रैकेट्स वन भी ये दे दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट्स देना है मुझे, इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स देना है तो इसकी जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, इसे डिलीट करके, और इसे कट किया मैंने, और इधर जो ब्रैकेट था उसे भी डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, तो ये ब्रैकेट मेरा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। कर्ली ब्रैकेट्स ऑन बी, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन बी मतलब यहाँ पे मुझे लिखना है कर्ली ब्रेसेस, इसको डिलीट करना है, इसे कट करना है और यहाँ पेस्ट करना है। अभी देखेंगे कुछ इस तरह का आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रेसेस स्पेशल मीनिंग रखता है लाटेक में, तो यहाँ पे इसे एस्केप करना पड़ेगा बैक स्लैश से, सिमिलरली यहाँ भी इसे बैक स्लैश से एस्केप करना पड़ेगा, तो ये इस तरह का आ जाएगा। एंगुलर ब्रैकेट्स ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एंगुलर आई गेस इससे पहले मैं हटाता हूँ, स्लैश एल एंगल, और ये है स्लैश आर एंगल, ये एंगुलर ब्रैकेट्स, ये इस तरह से आप दे सकते हैं इसमें।
पाइप इन ब्रैकेट्स, तो पाइप इन ब्रैकेट सिंपल है, इसकी जगह आपको सिर्फ पाइप इन लिख देना है। ये पाइप इन सिंबल आपको टाइप कर देना है, लेफ्ट इसे कट किया आपने आर एंगल में, यहाँ आके ये पेस्ट कर दिया आपने, तो ये देखेंगे पाइप इन ब्रैकेट बनकर आ गया। इसे डिलीट करता हूँ मैं। अब आते हैं प्लस एंड माइनस, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा प्लस माइनस लिख रहा था, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस कैसे लिखना है, स्लैश पी एम ए, प्लस माइनस वैल्यू जो आते हैं फिजिक्स में भी देखा होगा आपने, मैथ्स में भी रहता है 23, प्लस माइनस 23 मतलब नियर अबाउट 23, और माइनस प्लस अगर लिखना है स्लैश क्वाड एम पी, जस्ट रिवर्स कर देना है 23, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें डिग्री सिंबल कैसे देना है, 30 डिग्री, इस तरह से आप दे सकते हैं। आप देखेंगे 30 डिग्री सिंबल आ गया। ये आप इन डिज़ाइन में भी दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ग्लिफ्स से जाके, बहुत सारा काम ग्लिफ्स से कर सकते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है वो आपको इसी तरह से सॉफ्टवेयर में यूज़ करना पड़ेगा। एंगल, मेजर्ड एंगल एंड परपेंडिकुलर। ज्योमेट्री आप लिख रहे हैं, इसमें ज्योमेट्री के डायग्राम्स भी बना सकते हैं आप, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो उसका मैं प्रोसेस पूरा भूल गया हूँ। बहरहाल जो याद है मुझे वो आपको बता रहा हूँ। एंगल कैसे लिखना है, इसमें एंगल एबीसी स्लैश एंगल एबीसी, ये आप देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। और मेजर्ड एंगल अगर लिखना है तो मेजर्ड एंगल, देखिए आ ही गया यहाँ पे मेजर्ड एंगल एबीसी, मेजर्ड एंगल का कुछ अलग इस तरह से आता है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू स्लैश पी ई आर पी, परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। और क्या है, वेक्टर्स स्लैश बी ई सी, और यहाँ पे आप एंटर करें और लिखें ए बी, तो आप देखेंगे ए बी के ऊपर ये सिंबल, ये सब सिंबल आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ भी है बना हुआ ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट मैं जनरली यहीं से लेता हूँ, अपना टाइप करता हूँ मैं। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज़ स्लैश पी आर ओ पी टी ओ बी, ये देखेंगे प्रोपोर्शनल का साइन किस तरह से यहाँ आ गया। अब आते हैं पाई एंड नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो पहले नॉट इक्वल टू बता देता हूँ मैं, एन ई नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आते हैं पाई के सिंबल पे, पी आई हो गया पाई का सिंबल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज टू पाई आर, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, टू स्लैश पी आई एंड देन आर, और एरिया है उसका पाई आर स्क्वायर स्लैश पी आई आर टू द पावर ऑफ टू, तो ये आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये हो ही गया है। इसके अलावा मैं आपको और भी एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए ख़ास, अगर आपको कुछ नहीं इसमें समझ में आता है या आप कोड्स देखना चाहते हैं कहाँ पे है, तो ये साइट आप जाएं, इस साइट पे आप जाएंगे तो आपको इसके बहुत सारे कोड्स नज़र आएंगे, और मैथ्स में किस तरह से क्या इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर विकी बुक्स में है शॉर्ट हैंड्स वगैरह इसके बारे में, और डिटेल्स है लाटेक के बारे में, तो आप इस तरह से यहाँ पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन वगैरह सब इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, साइन हाइपरबोला और साइन 30 डिग्री, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट टेन कॉट, और भी बहुत सारी चीज़ें थी मुझे याद नहीं इस वक्त। बहरहाल इस तरह से आप अपने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला इसमें लाटेक में लिख के
आप उसे इन डिज़ाइन में या वर्ड में या इन पेज में ले जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं आप, तो आप उसे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और कोड्स मिल जाएंगे कि हाँ इसको किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे सिंबल्स का यहाँ पे शॉर्ट कोड दिया हुआ है, किस तरह से बनाना है उसे। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।